फिल्म देवरा में जूनियर एनटीआर पहली बार जाह्नवी कपूर के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। सैफ अली खान एक खतरनाक विलेन की भूमिका निभाएंगे। टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस 18 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। सलमान खान एक बार फिर शो को होस्ट करेंगे। जायद खान ने ऋतिक और सुजैन के तलाक पर कहा कि परिवार का समर्थन जरूरी है। उन्होंने कहा कि दोनों के नए पार्टनर्स अच्छे हैं और जिंदगी आगे बढ़ती है। राजेश खन्ना ने अपनी संपत्ति की वसीयत अपनी बेटियों के नाम की थी। उनकी मौत कैंसर से हुई थी और अंजू महेंद्रू उनके अंतिम समय में साथ थी। करीना कपूर खान की नई फिल्म द बकिंगम मर्डर्स सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। उन्होंने इंडस्ट्री में 25 साल पूरे किए हैं और कई थ्रिलर फिल्में की हैं। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को बड़ा भाई मानते हुए कहा कि वो उन्हें अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानते। पवन ने भी इसी तरह की बातें की हैं। बिग बॉस 18 का प्रोमो जारी हुआ है, जिसमें निया शर्मा और देव चंद्रमा सिंघा रॉय के शामिल होने की चर्चा है। दर्शक शो के नए प्रोमो का इंतजार कर रहे हैं। जया बच्चन के पिता ने अमिताभ बच्चन के साथ उनकी शादी के संदर्भ में बताया कि उन्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं था। फिल्म चांदनी को रिलीज हुए 35 साल हो गए हैं। इसने यश चोपड़ा की डूबती नैया बचाई और श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार बनाया। कौन बनेगा करोड़पति 16 में 19 साल के सानिध्य गुप्ता अमिताभ बच्चन के साथ अपने खेलों के जुनून और स्पोर्ट्स टीम के मालिक बनने का सपना साझा करेंगे।